ऐसे में आप सभी को पता होगा कि अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, किस पे विवाद चल रहा है, किस पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, किस पे पॉलिटिक्स हो रही है, आप सभी को पता होगा। पहले कई सालों तक के बाबरी मस्जिद पे पॉलिटिक्स हुई, कई सारी गंदी राजनीति हुई, हिंदू मुस्लिम हुआ, लेकिन अब जो करण विवाद चल रहा है वो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि वहाँ पर मस्जिद की जाँच हुई, जहाँ पर वजू खाने के अंदर एक चीज़ निकली जिसे बहुत सारे बोल रहे कि शिवलिंग है, और मतलब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे फुवारा था, वहाँ पे तालाब था और वहाँ पे वजू किया जाता था, लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे कि वहाँ पे शिवलिंग थी, वहाँ मंदिर थी, मंदिर को तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई गई, मतलब कई सारा इस पर विवाद हुआ। लेकिन ऐसे में आप सब बता दूँ, इस पर कई सारी पॉलिटिक्स भी हो रही है, और साथ ही साथ जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं, एक दूसरे को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता हो कि हमारे देश के अंदर आए दिन दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है, आए दिन नहीं मतलब चल ही रही है। आप सभी को पता हो कि पहले हिंदू मुस्लिम, इतना हिंदू मुस्लिम होता हमारे देश के अंदर कहीं भी इतना नहीं होता, और साथ ही साथ मंदिर मस्जिद के इतने मुद्दे आते उस पर इतनी राजनीति होती है, इतना हिंदू मुस्लिम होता है कहीं भी नहीं होता है। और आप सब बता दो, लोग मेन चीज़ भूल जाते हैं, आज महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर आप पेट्रोल भरने जाते हैं पेट्रोल पंप पे, तो आपका गुस्सा आपके सर पे चढ़ता है। 120 रुपये लीटर के पार हो चुका है पेट्रोल, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, डीजल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, गरीब 500 रुपये में क्या खाएंगा क्या करेंगे उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, बस हमको हिंदू मुस्लिम करना है, यहाँ पर हमें मंदिर मस्जिद करना है, बस ये सारी चीज़ चल रही है। जो चीज़ करा रहे हैं जितने भी पॉलिटिक्स वाले सब ये चीज़ करा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को बताऊंगा इनके पास बताने को तो कुछ है नहीं, महंगाई करने कम करने के लिए तो कुछ चारा नहीं है। आप सब बता दो भी, लोहे के भाव इतने बढ़ चुके हैं, मतलब हर चीज़ के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि एक गरीब अच्छे से पेट भर के नहीं खा सकता है अभी की कंडीशन के अंदर, अभी कंडीशन में खुद का मकान भी बना नहीं सकता। लेकिन कुछ लोगों को ये सारी चीज़ों से कुछ नहीं करना पड़ता है, चाहे आपका पेट्रोल महंगा हो, खाना महंगा हो, कुछ भी महंगा हो, गरीब मर जाए उससे कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ हमको हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। और ऐसे में कुछ पॉलिटिक्स और ऐसे कुछ स्टार रहते हैं जो हिंदू मुस्लिम करने में थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। तो ऐसे में आप सब बता दूँ, लोकप शो की फाइनलिस्ट जिनका नाम है पायल ने भी कुछ पोस्ट डाले हैं जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कुछ लिखा, और साथ ही साथ दो तीन पोस्ट ऐसे भी डाले जहाँ पर मैं आपसे बताने वाला हूँ। आप सबसे पहले कुछ पोस्ट देख लीजिए। तो दोनों जो पहला वीडियो शेयर करा, फर्स्ट वीडियो ऑफ द क्लैम शिवलिंग फाउंड इन द वेल ऑफ ज्ञानवापी, और गई इसी साथ उन्होंने एक और वीडियो शेयर करा जहाँ पर पहले मस्जिद दिख रही है आप सभी ऊपर, उसकी जो मंदिर दिख रही है और उसी के साथ वहाँ कुछ लिखा हुआ है, शिव ही सत्य है, पहले बाबर को समेटा, अब औरंगजेब की बारी है, जहाँ जाओ तुम भी तैयार रहो, इसके बाद तुम्हारी बारी है। यानी कि आप सभी को बता दूँ, उन्होंने पहले बाबरी मस्जिद की बात की, उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद की बात की, और उसी के साथ अब वो ताजमहल की बात कर रही है। तो कई जी थे उनके जो बड़े जो पोस्ट जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे, तो इसी पर आपका कहना आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ऐसे में आपने कुछ पायल की वीडियो देखी लेंगे, लेकिन ऐसे में आपसे बता दूँ, कोई भी स्टार एक समाज के लोगों से नहीं बनता है, उसे कई सारे समाज के लोग मिलकर बनाते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उसे ऊँचाई तक पहुँचाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं। तो गाइस थी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, आप मुझे कमेंट करके बताना जिससे पायल ऐसे पोस्ट करी, तो इससे आपको क्या लगता है ये सही है गलत है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर करें, यार हम कब तक हिंदू मुस्लिम करेंगे, कब तक मंदिर मस्जिद करेंगे, आखिर कब हम मेन चीज़ों पर ध्यान देंगे, महंगाई पर, पेट्रोल पर, डीजल पर कब ध्यान देंगे। तो गाइस वीडियो को जरूर शेयर करना।